हेलो एंड वेलकम टू यूट्यूशन। मेरा नाम है अभिजीत सिंह और आज हम पढ़ने वाले हैं मेडिवल हिस्ट्री के क्विक रिवीजन का सेकंड वीडियो। इससे पहले एक वीडियो आ चुकी है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप कॉर्नर में आई बटन में उसके लिंक से उसको देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें, यहाँ पर आपको सभी लेक्चर्स की PDF और नोटिफिकेशन मिल जाएंगी। अब हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था स्लेव डायनेस्टी और खिलजी डायनेस्टी के बारे में, और इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे तुगलक डायनेस्टी से। तुगलक डायनेस्टी जो थी वो 1320 से लेके 1414 तक चली थी। इसके जो फाउंडर थे उनका नाम था गयासुद्दीन तुगलक। इनका रियल जो नाम था वो था गाजी मलिक, और ही वाज द फर्स्ट किंग ऑफ दिल्ली सल्तनत हु रिड्यूस लैंड रेवेन्यू टैक्स। यानी ये पहले किंग थे दिल्ली सल्तनत के जिन्होंने लैंड रेवेन्यू टैक्स को कम कर दिया था। ही इस्टेब्लिश न्यू सिटी तुगलकाबाद, इन्होंने नई सिटी इस्टेब्लिश करी थी जिसका नाम किया था तुगलकाबाद, और इनकी मृत्यु एक एक्सीडेंट में हुई थी 1325 AD में। अगले जो किंग आते हैं वो मोहम्मद बिन तुगलक होते हैं, और इनका टेन्योर 1325 से 1361 तक चला था, और इनका जो रियल नेम था वो था जूना खान। इन्होंने अपनी जो कैपिटल थी वो शिफ्ट करी थी दिल्ली से दौलताबाद, और ये करा था उन्होंने 1326 में, और इन्होंने इंट्रोड्यूस करा था टोकन करेंसी को 1330 में, और दोआब टैक्सेस को बढ़ा दिया था 1333 में। और जो फेमस ट्रेवलर थे इब्न बतूता, वो मोरक्को से इन्हीं के टाइम पीरियड में इंडिया आए थे, जिन्होंने बुक लिखी थी रहला नाम की, और इन्होंने दुर्ग ऑफ अदिलाबाद भी बनवाया था। तो ये जो क्वेश्चंस हैं जो मैंने मार्क कर रखे हैं ब्लू कलर से हाईलाइट कर रखे हैं, ये इंपॉर्टेंट हैं, और इन सबसे क्वेश्चंस पास्ट में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बन चुके हैं। ही इंट्रोड्यूस एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट, इन्होंने एक एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट भी बनाया था जिसका नाम था दीवान अमीर खोली, और एंड ऑल्सो प्रोवाइडेड एग्रीकल्चरल लोन। ये एग्रीकल्चर के लिए लोन भी प्रोवाइड करते थे जिसे वो तकावी के नाम से जाना जाता था, और इनकी मृत्यु 1351 AD में हुई थी जब ये थट्टा की तरफ ट्रेवल कर रहे थे। अगला जो किंग है उसका नाम है फिरोज शाह तुगलक, और ये कज़न था मोहम्मद बिन तुगलक का, और इसने 23 टाइप के टैक्सेस को हटा दिया था, लेकिन 4 नए टैक्सेस इम्पोज कर दिए थे, जिसमें पहला था जजिया, और ये जजिया ब्राह्मण्स को भी देना कंपलसरी था। अगला टैक्स है जकट, ये जो टैक्स था वो मुस्लिम्स को एक स्पेसिफिक रिलीजियस पर्पस के लिए देना ज़रूरी था। अगला टैक्स है खराज, इस टैक्स का मतलब था कि जो 1/10 ऑफ द प्रोड्यूस्ड, यानी जो भी एग्रीकल्चर करेगा फार्मर जो भी प्रोड्यूस करेगा अपने एग्रीकल्चरल लैंड में, उसका वो 1/10 भाग टैक्स के रूप में देगा। अगला जो टैक्स था वो था खामस, खामस का मतलब जो भी वॉर में लूट होगी उस लूट का 1/5 इनको दिया जाएगा। तो ये कुछ टैक्सेस थे। फिर इसने कंस्ट्रक्ट करवाए थे फिरोज़ाबाद, हिसार, जौनपुर और फतेहाबाद टाउन्स को, और इसी ने ज्वालामुखी टेंपल और जगन्नाथ टेंपल को भी तोड़ा था। तो ये इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं। ही रिनोवेटेड 4th फ्लोर ऑफ कुतुब मीनार, इसने कुतुब मीनार के 4th फ्लोर का रिनोवेशन कराया था, और फतूहत ई फिरोज शाही, ये ऑटोबायोग्राफी थी फिरोज शाह तुगलक की, यानी इसने खुद लिखी थी अपनी बायोग्राफी, इसका क्या नाम था फतूहत ई फिरोज शाही। और जो लास्ट किंग था इस डायनेस्टी का था वो था नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। तो यहाँ पे तुगलक डायनेस्टी ख़त्म हो जाती है। अब स्टार्ट होगी सैयद डायनेस्टी, जिसका टेन्योर रहा है 1414 से 1451 तक। इसका जो फर्स्ट किंग था वो था खिज़र खां, और यही फाउंडर था इस डायनेस्टी का। इसने एक टाइटल अडॉप्ट किया था, उस टाइटल का नाम क्या था रैयत ए आला। तो रैयत ए आला जो टाइटल है वो खिज़र खां के द्वारा अडॉप्ट किया गया था। अगला जो किंग था वो था मुबारक शाह, ये सन यानी बेटा था खिज़र खां का, और ये ग्रेटेस्ट किंग था इस डायनेस्टी का। और याहिया बिन अहमद सारहिंद रोट हिज बुक तारीख ए मुबारक शाही, यानी
जो ये ऑथर हैं जिनका नाम है याहिया बिन अहमद सारहिंद, इन्होंने एक किताब लिखी थी तारीख़ ए मुबारक शाही। तो ये इनके टाइम पीरियड में किताब लिखी गई थी, मुबारक शाह के टाइम पीरियड में, तो ये इम्पोर्टेंट है। और जो लास्ट किंग होता है इस डायनेस्टी का वो कौन था? अलाउद्दीन आलम शाह। तो ये सैयद डायनेस्टी थी। सैयद डायनेस्टी के बाद स्टार्ट होती है लोधी डायनेस्टी, जिसका टाइम पीरियड है 1451 से 1526 तक। इसका जो फाउंडर है उसका नाम है बहलोल लोधी, और इसने न्यू कॉइन्स इंट्रोड्यूस करे थे जो कि बहलोली कॉइन्स के नाम से फेमस हुए थे। अगला जो किंग है इस डायनेस्टी का वो है सिकंदर लोधी, और ये सन था बहलोल लोधी का, और इसने एक नई सिटी बनाई थी, वो सिटी का नाम था आगरा। और इस सिटी का निर्माण 1501 में हुआ था, और इसने इस सिटी को अपनी कैपिटल बना दिया था 1506 में। इसने पोएम्स लिखी थी पर्शियन लैंग्वेज में, और इसका जो पेन नेम था वो था गुलरुख। ये इम्पोर्टेंट है, और ये आप ज़रूर ध्यान रख लें कि जो पेन नेम है इसका ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो मैं मार्क कर दे रहा हूँ, किसी वजह से मैं शायद मार्क करना भूल गया हूँ। तो आप ये आगरा को भी ध्यान रखें कि सबसे पहले आगरा को कैपिटल किस किंग ने बनाया था, तो वो कौन है? सिकंदर लोधी। और आप इन कॉइन्स को भी याद रखेंगे। अगला जो पॉइंट है वो है ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस मेजरिंग यूनिट गज ए सिकंदरी, यानी एक मेजरिंग यूनिट हुआ करती थी गज ए सिकंदरी, वो इसी ने इंट्रोड्यूस करी थी। अगला है इब्राहिम लोधी, ही वॉज द सन ऑफ सिकंदर लोधी, ही फॉट फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत विद बाबर इन 1526, यानी इब्राहिम लोधी की जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई थी बाबर के साथ में, वो कब हुई थी? 1526 हुई थी, और ये बैटल ये हार गया था, और ये ही एक टर्निंग पॉइंट था जिसके बाद से मुगल एम्परर स्टार्ट हुआ। तो ये था आपका वीडियो, अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगले पार्ट में हम देखेंगे जो नेक्स्ट मुगल किंग्स हैं उनके बारे में। थैंक यू सो मच।